इस बेरोजगारी का आलम तुम्हें क्या बताएं ए गालिब। शमशान घाट से भी जब गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर पूछते हैं कि नौकरी लगी क्या। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यार एमपी पुलिस एसएससी और एसएससी स्कीम और जो अभी हाल ही में जो सामने आ रहा है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो स्कैम आ रहा है सामने, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो भी स्टूडेंट, ठीक है, या जो भी मुझसे जुड़ा हुआ बंदा इस लेक्चर को देख रहा है, तो आज के लेक्चर को आप ज़रूर पूरा देखिएगा यार, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भलाई के लिए, आपके छोटे भाई बहन या आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके बच्चों के लिए उपयोगी ज़रूर होगा। अगर अभी आपने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी, आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाए सरकार की, तो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसी कंडीशन आपकी आज है इससे बदतर हो सकती है, पर इससे कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए, या फिर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करें कि एमपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, एमपी की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों एक प्रकार का एक सेम मुद्दा चलाया जा रही है कि ना तो एमपी गवर्नमेंट कोई वैकेंसी ला रही है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है। अगर एमपी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आई है तो वो भी रुकी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आई है तो वो भी रुकी हुई है। हम एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसी लाई है, ठीक है, हम यहाँ साथ में कंपेयर करते हैं कि यार दोनों में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी लाई तो यहाँ पर इनने वर्ग तीन की वैकेंसी लाई जो कि अभी तक रुकी हुई है। 2019 में पेपर इनने फॉर्म भरवा लिए पर अभी तक कोई पेपर नहीं करवाए। वहीं पर हम यहाँ बात करें तो इन्होंने एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के फॉर्म तो भरवा लिए पर अभी तक कोई पेपर नहीं कराए। वहीं पर हम यहाँ बात करें तो वर्ग दो और वर्ग तीन की जो वर्ग एक और वर्ग दो जिसके इन्होंने क्या करा लिए, पेपर करा लिए पर अभी तक इनका रिजल्ट भी आ चुका पर ज्वाइनिंग का कोई ठिकाना नहीं। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के तो एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं हम, सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल आप समझना, जो लोग अगर एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो उन लोगों को ये सारी चीज़ जरूर पता होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे छोटे भाई बहन तैयारी करें तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एसएससी 2017 की अगर हम बात करें तो यार 2017 से आज तक एक स्टूडेंटों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि 2017 का ही जो केस था, स्कैम हुआ था, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी, 2020, मतलब बच्चा यहाँ 3 साल से वेट कर रहा है, वहीं यहाँ पर भी 3 साल से वेट कर रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जुमले बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे ही चुनाव आया तो इन्होंने वर्ग एक और वर्ग दो की वैकेंसी निकाल दी, ठीक है, और इतनी कम मात्रा में निकाली कि यहाँ जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट थे यार उन लोगों के लिए मात्र 50 सीट थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस 50 सीट में वो क्या करें, 51, 52, 53 हमारे यहाँ जिले हैं, मतलब एक जिले में एक पोस्ट तक ढंग से नहीं दे पाए हैं, ठीक है, वर्ग एक में वैकेंसी ये तक कंडीशन रही है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी वर्ग दो में इतनी बुरी तक कंडीशन रही। वहीं पर एमपी गवर्नमेंट के अगर हम जुमले की बात करें तो अभी हाल ही में फिर से चुनाव होना है तो इन्हें एक छोटी सी वैकेंसी निकाल दी, किसकी, एमपी जेल बहरी। वैकेंसी कोई छोटी नहीं होती, कुछ लोगों को तो जॉब मिलेगी, पर ये तो बताओ यार आपने 250-300 वैकेंसी निकाल रखी है, 250-300 अगर हम 50 जिलों में डिवाइड कर दे तो 4-4, 5-5 वैकेंसी मिलेगी। मतलब यार एक तहसील से एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ पर, ये तक बुरी कंडीशन है। अगर जो भक्त है तो मैं तो अभी बोलूँ कि अगर आप किसी पार्टी के भक्त है तो इस लेक्चर को यहीं ना देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो एमपी जेल बहरी की वैकेंसी आई, ठीक है, जेल प्रहरी की वैकेंसी आती है सिर्फ जुमले के लिए, क्योंकि अभी 20 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं पर जब हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा कि जब 2019 में चुनाव कराने थे तो इन्होंने भी वैकेंसी ला ली, एनटीपीसी की वैकेंसी ला दी, ग्रुप डी की वैकेंसी ला दी, पर अभी तक इनकी कब पेपर होगा, कब वेंडर फाइनल होगा और कब ज्वाइनिंग होगी इनका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कोई एग्जाम करा पा रही है ढंग से, ना सेंट्रल एमपी गवर्नमेंट एग्जाम करा पा रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर ये अपने फायदे की बात देखे दोनों जगह, तो अपने फायदे की बात देखे तो एमपी गवर्नमेंट भी गिर गई, दूसरी गवर्नमेंट भी बन जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव भी हो जाते, कोई वहां प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर हम एक चीज़ और यहाँ पर देखें यार, तो अभी बिहार में चुनाव होने, तो बिहार में जो चुनाव होने हैं वो बिल्कुल चुनाव व्यवस्थित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर चुनाव होने हैं तो अभी छोटे छोटे जो केस है वो सीबीआई को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सुशांत सिंह मामला है कि चलो एमपी में चुनाव, बिहार में चुनाव होने हैं तो जब तक सीबीआई को केस नहीं सौंपेंगे तब तक फाइनल नहीं होगा और तब तक वहाँ सीट नहीं करा पाएंगे। वहीं पर एमपी की बात करें तो इन्होंने भी चुनाव के चलते एक जेल प्रहरी की वैकेंसी निकाल दी और चीज़ों को टालते चल रहे हैं। मतलब ये चुनाव आ रहे हैं तो आप वैकेंसी दे दे रहे हैं,
यार तो बाकी टाइम खाली क्यों छोड़ रहे हैं। बच्चा जो एक हम ये बोल सकते हैं कि इतना समय देकर इतनी शिद्दत से पढ़ाई करता है कि यार आज नहीं कल, कल या परसों उसे जॉब मिलेगी, उसके माँ बाप इतने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अगर आप गाँव में जाओगे तो माँ बाप एक ढंग से चप्पल नहीं पहनते हैं, ठीक है, ये तक कंडीशन है। और अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे पर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बीए डीएड की डिग्री तो करा रहे हैं, जब 2012 से आज तक एमपी गवर्नमेंट ने 2012 से 2020 तक एक भी बंदों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। 2012 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग दी, उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं दी है। जब वर्ग 1, 2 और 3 को तो आप फॉर्म भरवा क्यों रहे हैं? लोगों को आप इतना ये बोल सकते हैं कि बीए डीएड करा क्यों रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तो डिग्री बंद कर दो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको गृहिणी बनाने के लिए किसी महिला को आप बीए डीएड करवा रहे हो, तो फिर एक तरफ से सबको करवा लो, सबकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सही चल रहा है कि इन लोगों ने यहां पर एनटीपीसी में 500-500 रुपए फीस ले ली है, 500-500 रुपए फीस ले ली और बोल दिया कि 400 रुपए रिफंड करेंगे। तो आपने ये है कि 2 साल तक आपने 500 रुपए ले रखे हैं और उसके बाद 100 रुपए का आप वहीं पर गोला कर दे रहे हो, आपको पेपर कराने, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लो, बच्चों से क्यों भीख मांग रहे हैं यहां पर। तो ये तक कंडीशन चल रही है। एसएससी की अगर देखें तो कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा तो उनका कोई ठिकाना नहीं है कब पेपर होगा, कब नहीं होगा, कब विंटर फाइनल होगा, केस हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब ये कि एक वैकेंसी को यहाँ 3-3 साल लगा दे रहे हैं, यहाँ भी 3-3 साल लगा दे रहे हैं। तो आप ये बताओ यार, ये 2019 में वैकेंसी आती है एनटीपीसी की, 2019 में वैकेंसी आती, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा 2019 में ही तैयारी करना स्टार्ट कर रहा होगा। वो कम से कम अगर 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है तो 2 साल पहले वो और 2 साल अभी ये गुजर चुके हैं, मतलब बच्चे के 4 साल गुजर चुके हैं तैयारी करते करते। तो 4 साल एक पेशेंस होता है, एक पेशेंस भी बच्चा खोने लगा। और अभी ये कोरोना के चलते तो मैक्सिमम स्टूडेंट सीधे पढ़ाई छोड़कर हम ये बोल सकते गाँव चले गए, और गाँव का माहौल इतना नहीं है कि बच्चा पढ़ पाता है। एक थोड़ा पेशेंस होता है स्टूडेंट का भी कि वो रख पाता है। तो ये सारी चीज़ें ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, मतलब इतनी दयनीय कंडीशन होते जा रही है कि 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, एक पेशेंस हो गया, एक पेशेंस रहता बच्चों का, वो सारा खोते हैं। हमारे पास फ़ोन आता है बच्चों का कि वो यही बोलते हैं कि सर कब तक पेपर हो जाएगा, तो हमें भी कब तक, हम ये बोल सकते हैं कि बोल देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने जब बीतते हैं तब स्टूडेंटों को फिर क्या जवाब दें। यहां देख रहे हैं तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, ना इस एमपी गवर्नमेंट लेती है, मोदी जी आ जाते हैं, मन की बात कोई बात नहीं। वहां पर आज तक इन्होंने 2013 से 2014 से जब से इन्होंने सरकार बनाई है आज तक इन्होंने मन की बात में कभी भी बेरोजगारी की बात नहीं करी। एमपी में भी जब मामा जी आ जाते हैं और यही बोल देते हैं कि चलो मेरे मामा मेरे भांजा मेरे भांजियों और मेरे भांजा भांजियों के लिए कर क्या रहे हैं। अगर भांजियों की बात करें तो आपको साइकिल दे दी, बहुत अच्छी बात है कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना चला दी, वो बहुत अच्छी बात है भांजियों के लिए, पर भांजियों की जॉब का क्या? अपने पैर पर खड़ा नहीं कराना चाह रहे, उनको ये चाह रहे हैं कि आप थोड़े से एक अच्छे से जीवन जी लो 12वीं तक, उसके बाद आपको वही करना है जो आपको करना है आज तक जो पीछे होते आ रहा है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, परिवर्तन इतना आ रहा है कि आपको स्कूल पहुंचा दिया जा रहा है, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर योजना है, आप चलो अनाज बंटवा दे रहे हैं, अनाज बंटवा दे रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नौकरी दे देते तो बंदा अपना घर का खर्च खुद उठा सकता है, खुद घर चला सकता है, परंतु वहाँ नौकरी की बात आप नहीं करोगे, ठीक है। पर हम ना चाहते कि आप अनाज दे रहे हो, अच्छी बात है, जो भी कर अच्छी बात है, पर युवाओं के बारे में कम से कम कुछ बोलो, कम से कम इतना तो सोचो कि एक बंदा अपना पेशेंस से कब तक रख पाएगा। जब दोनों गवर्नमेंट की बात करें तो जो इनके काम है वो बराबर हो रहे हैं। अगर जेई की पेपर की बात करें तो जेई का पेपर गवर्नमेंट चाह रही है तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट है, ये भी तो स्टूडेंट है, इनके पेपर भी होने चाहिए। वहीं पर अगर हम नीट की बात करें तो नीट के पेपर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को किसी को जॉब नहीं देनी है ना, यहाँ पर भी इन्हीं बेरोजगारों की लाइन में इनको लाकर खड़ा कर देना, इसलिए ये पेपर ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। वहीं पर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल हो रहा है क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होने वाली, तो हमको इनकम से प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये सब काम करा सकते हैं तो ये भी करा सकते हैं, आप चुनाव करा सकते हैं, इसका मतलब पेपर भी कराया जा सकता है अगर आप चाहो तो। मतलब ये कि स्टूडेंट जब तक आप अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तब तक ये सारी चीज़ें ऐसी चलने वाली है, मतलब बेरोजगार अभी भी हो आगे भी रह सकते हैं। ये हो सकता है कि अगर हम जिस पीढ़ी में हम सुधार लाने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो अगर आप ट्विटर नहीं चलाते हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, करना क्या है आपको? ट्विटर नहीं चलाते तो यार आप व्हाट्सअप चलाते, फेसबुक चलाते, आपको चलाते आता था क्या? नहीं, परंतु आप सीखे ना। जब ट्विटर व्हाट्सअप सब आप फेसबुक सीख सकते हैं चलाना, व्हाट्सअप चलाना सीख सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ चलाना सीख सकते हैं, तो आप एक ट्विटर चलाना भी सीख सकते हैं। ट्विटर जब चलाओगे तो वहाँ पर आप ये देख लीजिए हाउ टू, मतलब कैसे हम
किसी को ट्वीट करें, ठीक है? तो आपको ट्रेंडिंग में लाना है, जैसे एमपी पुलिस भर्ती दो, यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, और आपको एज इट इज़ बिना स्पेस दिए वहाँ लिखना है। मतलब किसी भी नेता ने अगर कोई ट्वीट करा तो उसके नीचे लिखिए, तो धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आएगा, तभी हमारी बात वहाँ पहुँच सकती है। क्योंकि कोरोना के चलते आंदोलन तो कराए जा सकते हैं, परंतु ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो तो ज़्यादा बेटर। फिर भी 4 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है? तो 4 तारीख को, 4 सितंबर को आप सभी भोपाल में जरूर मिलें। वहीं पर एक आपको ये भी बायकॉट, ठीक है, एसएससी स्कैम, ये भी आपको लिखना है बार बार, और एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, ठीक है? आपको ये तीनों चीज़ें, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक दिन में जितने बार आपको समय मिलता है, आप पूरे टाइम फ्री हो, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप कॉमेडी देख रहे हो, हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, ठीक है? ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो जा रही है, परंतु कोई भी शिक्षा से रिलेटेड आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो ये तीनों आप जहाँ पर भी लिख सको, हर जगह ये लिखो, ठीक है? एमपी पुलिस भर्ती दो, बायकॉट, एसएससी स्कैम, या फिर ये थर्ड भी लिख सकते हैं, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, ठीक है? तो यार इस लेक्चर में इतना ही, मतलब ये बोलना चाहेंगे कि आप कम से कम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें। आप जो भी एज में हो, या आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हो, या फिर आप पास हो चुके हो, अगर आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाओगे तो ये कभी नहीं होगा सक्सेस। हम ये बोल सकते कि आप जो सपने देख रहे हो, सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जो आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, आपको भी उसी रास्ते चलना पड़ेगा। मतलब आप जो परिवर्तन लाने का सोच रहे हो, कभी नहीं आ सकता जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ोगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।